नमस्कार, आप देख रहे हैं अनूपगढ़ ज्योति चैनल। चुन्नाबड़ से हमारे संवाददाता महेंद्र परवाना की रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश में सबसे ठंडा श्री गंगानगर, पारा 15.4 डिग्री। वहीं चुन्नाबड़ क्षेत्र के भगवानसर में घना कोहरा पड़ने से जमी बर्फ। अब पूरी खबर देखने से पहले कृपया अनूपगढ़ ज्योति चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि प्रत्येक समाचार का नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल पर मिलता रहे। अब खबर विस्तार से। प्रदेश में सबसे अधिक ठंड होने के साथ ही चुन्नाबड़ क्षेत्र के भगवानसर में अधिक ठंडा रहा। दिन में दोपहर तक धुंध और रात्रि को काफ़ी कोहरा पड़ने से बर्फ जम गई। श्रीगंगानगर में अधिकतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। जिले में बीते शुक्रवार को सुबह घना कोहरा छाने के कारण वाहनों की रफ्तार मंदी पड़ गई और ड्राइवरों को लाइट जलाकर गाड़ी चलानी पड़ी। ठंड में ठिठुरते लोग जगह जगह अलाप तापते नजर आए। मौसम विभाग की ओर से शीतलहर की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में और गिरावट आने के साथ ही 20 दिसंबर तक इसी तरह का मौसम बना रहने की संभावना जताई गई है। लगातार गिरते तापमान के बीच किसानों की परेशानी और बढ़ गई है। ठंड में फसलों को पाला लगने की आशंका जताई जा रही है। इससे बचाव के लिए सिंचाई विभाग की सलाह दी जाती है कि इस साल किसान सिंचाई पानी की कमी झेल रहे हैं, ऐसे में मुश्किलें और बढ़ सकती है। अभी सरसों में गेहूं की फसलें पक्की नहीं हैं। कृषि विशेषज्ञों के मुताबिक ठंड के साथ धुंध रहती है तो नुकसान नहीं होगा, ठंडी हवा चलने पर फसलें प्रभावित हो सकती है।